हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोनिका और आज मैं आपसे शेयर करूंगी अरोमा मैजिक फेस वॉशेस का रिव्यू। सो यहाँ पे मेरे पास ये दो फेस वॉशेस हैं, एक्चुअली ये आउटर पैकेजिंग है। ये दो फेस वॉशेस मेरे पास हैं जिनमें से मैं ये ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ मुझे हो चुका है इसको यूज़ करते हुए एंड ये मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके बाद आई थॉट कि मुझे इसके और वेरियंट भी ट्राई करने चाहिए, उसके बाद मैंने ये वाला बाय किया। सो इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। सो आई थॉट कि क्यों ना मुझे रिव्यू करना चाहिए इन दोनों फेस वॉशेस का। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यू। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। दिस इज़ ब्लॉसम क्लोजर अरोमा मैजिक वाइट टी एंड कैमोमाइल फेस वॉश, जो कि एवरीडे पॉल्यूशन एंड डिफेंस फेस वॉश है एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। दिस इज़ 100 ml प्रोडक्ट फॉर 185 rupees, बट ये आप किसी भी साइट से खरीदेंगे तो इससे कम प्राइस में ही आपको मिल जाएगा, लाइक 150 to 160 के अराउंड ये आपको मिल जाएगा। सेल्फ लाइफ है इसका 4 ईयर, जो कि काफ़ी लॉन्ग है। अगर मैं अरोमा मैजिक ब्रांड की बात करूँ तो इनके प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, पैराबिन फ्री होते हैं, अल्कोहल फ्री होते हैं एंड इनमें आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेग्रेंस भी नहीं होता है। सो अगर मैं इस फेस वॉश के इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें यूज़ हुआ है एक्वा, देन सेंटायूरिया साइनस एक्सट्रैक्ट जो कि कॉर्नफ्लावर एक्सट्रैक्ट है एंड ये स्किन कंडीशनिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें एक सर्फेक्टेंट का यूज़ हुआ है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। नेक्स्ट इसमें कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल का यूज़ हुआ है जो कि फ्रेग्रेंस के लिए हुआ है, बट इसके अपने बेनिफिट भी हैं। ये आपको बहुत ही कामिंग एंड सूदिंग फीलिंग देता है। जब आप फेस वॉश करते हैं तो बहुत ही आपको रिलैक्स एंड फ्रेश फील होगा, बहुत कामिंग फील होगा। नेक्स्ट इसमें प्रोटीन बीट्स का यूज़ हुआ है जो कि आई डोंट थिंक कि कोई यूज़ है उनका। नेक्स्ट पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल जो कि अगेन फ्रेग्रेंस के लिए है, बट इसके अपने बेनिफिट भी होते हैं, लाइक ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट है कैमेलिया साइनेसिस जो कि वाइट टी एक्सट्रैक्ट है। वाइट टी बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड इसके दूसरे बेनिफिट भी हैं, जैसे कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें यूज हुए हैं जो कि बहुत एकदम सही इंग्रेडिएंट है। कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं यूज़ हुआ है, कोई इंग्रेडिएंट हार्मफुल नहीं है। बस एक चीज़ है, अगर आपकी स्किन को एसेंशियल ऑयल से एलर्जी है तो इस क्योंकि इसमें 2 एसेंशियल ऑयल का यूज़ हुआ है तो आपको पहले पैच टेस्ट करना होगा तभी आप इसको यूज़ करें। ऑल्दो मैं इसको 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई एलर्जी नहीं है एसेंशियल ऑयल से और इसने मेरी स्किन पर कोई हार्मफुल एलर्जी कुछ ऐसा नहीं किया है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पैच टेस्ट करें अगर आपको एसेंशियल ऑयल से प्रॉब्लम है तो। अगर मैं इसके टेक्सचर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस तरह का इसका टेक्सचर है। थोड़ा हल्का ब्लू कलर है इसमें, बहुत ही लाइट ब्लू कलर है जो कि किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट की वजह से ही है एंड अब फ्रेग्रेंस भी है इसमें, जो कि एसेंशियल ऑयल यूज हुआ है उनकी वजह से इसमें थोड़ा हल्का फ्रेग्रेंस है। काफ़ी अच्छा कामिंग आपको लगेगा जब ये फेस वॉश आप यूज़ करेंगे एंड क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है बट इसको यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं होता कि इसने मेरे स्किन के नेचुरल ऑयल को भी बाहर निकाल दिया है। बहुत ही स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ फील होती है, काफ़ी अच्छा है। मतलब जितने भी मैंने फेस वॉश अभी तक यूज़ किया उनमें से मैं बोलूँगी ये बेस्ट है एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इसको दोबारा यूज़ करना चाहूँगी, दोबारा बाय करना चाहूँगी या नहीं, देन डेफिनेटली यस, मैं इसको दोबारा बाय करना चाहूँगी एंड मैं इसको रिकमेंड करती हूँ। दिस इज़ वेरी गुड फेस वॉश फॉर दिस प्राइस, सो आई वुड रिकमेंड दिस। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं इस फेस वॉश के बारे में। दिस इज़ ब्लॉसम क्लोजर अरोमा मैजिक स्ट्रॉबेरी फेस वॉश, जो कि एक जेंटल एंड मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है। ये भी 100 ml प्रोडक्ट है एंड दिस इज़ फॉर 175 rupees एंड इसका सेल्फ लाइफ है ऑलमोस्ट 3 ईयर एंड ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो इसके मैं अगर इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें टोटल 3 सर्फेक्टेंट का यूज़ हुआ है जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तीनों ही सर्फेक्टेंट बहुत ही माइल्ड है। इसमें से जो टिसाइल ग्लूकोसाइड है वो बेबी शैम्पूज़ में यूज़ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना माइल्ड होगा। नेक्स्ट इसमें अवीना सेटिवा एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ हुआ है जो कि हमारी स्किन के जो बैरियर होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक हमारी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, इची है, एक्जिमा है, रैशेज है, इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है।
और इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ हुआ है, विटामिन ई का भी यूज़ हुआ है एंड स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ हुआ है, रोज सेंटाफोर्डिया पाउडर इसका भी यूज़ हुआ है एंड इसकी वजह से आई थिंक इसमें थोड़ा सा पिंकिश कलर है फिश वॉश में, तो आई थिंक वो इसकी वजह से ही है एंड और इसमें एसेंशियल ऑयल का यूज़ हुआ है जो कि है लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल एंड जेरेनियम एसेंशियल ऑयल एंड रोज एसेंशियल ऑयल का भी इसमें यूज़ हुआ है। इन एसेंशियल ऑयल का यूज़ इसमें फ्रेग्रेंस देने के लिए यूज़ हुआ है और इनके अपने बेनिफिट भी है, लाइक ये लाइक जेरेनियम एसेंशियल ऑयल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, कामिंग प्रॉपर्टी होती है, तो सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं जैसे कि फर्स्ट वाले फिश वॉश में थे एंड बस यही है कि इसमें भी एसेंशियल ऑयल का यूज़ हुआ है। अरोमा मैजिक के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें मैक्सिमम सभी प्रोडक्ट में वो एसेंशियल ऑयल का यूज़ करते हैं, तो वही है कि अगर आपको एसेंशियल ऑयल से प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपकी स्किन को एलर्जी दे, अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। ये भी सेम इसका जो क्लीनिंग एक्शन है और स्किन पे फेश वॉश करने के बाद जो जिस तरह का फील होता है वो सब सेम पहले वाले फेश वॉश के जैसा ही है, ऐसे स्क्वीकी क्लीन जैसा ये फीलिंग नहीं देता, ऐसा नहीं लगता कि हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को भी उसने बाहर निकाल दिया है। स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, डीपली पोर्स क्लीन करता है, बट ऐसा नहीं लगता कि स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो गई है। सो दोनों फेश वॉश बहुत अच्छे हैं, बट इसमें मुझे एक चीज़ जो नेगेटिव लगी वो ये है कि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होता है। वैसे तो उन्होंने बोला हुआ है कि इस पर उन्होंने आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का नहीं यूज़ किया है, जो भी है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट की वजह से ही है, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा इसमें जो इसका फ्रेग्रेंस है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होता है, अदरवाइज दिस इज़ गुड एंड सारा जो स्किन को क्लीन करने का और आफ्टर क्लीनिंग जो भी है वो उसी के जैसा है एंड ये बहुत अच्छा है। मैं इसको भी रिकमेंड करूँगी अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम नहीं हो। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का है ये, आप देख सकते हैं बहुत हल्का इसमें पिंकिश कलर है एंड फ्रेग्रेंस बस वही थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, अदरवाइज इट इज़ गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मैं सारी चीज़ें बता पाई हूँ इन फेस वॉश के बारे में एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को, और अगर इसी तरह के वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।